क्या कर रही है मम्मा? कपड़े धोने वाला ब्रश है, बैग साफ करने। हाँ नहीं रहा, बैग को कहूंगी। टीटू आ गया, ऐसे ऐसे आप भी दांत पे रही है। पापा अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और अब देखते हैं कैसे ये टुक टुक करते हैं। दूध लेके दूध में डालना बेसन, वो अपने चेहरे पे ऐसे लगा देना। रहना तो पूरा प्रोफेशनल कर। पापा के तो मुंह पे दाढ़ी है गाइस, मेरे खारिश हो रही है। थोड़ा प्रेशर कम कीजिए, प्रेशर बहुत ज्यादा है। सिस्ट्रोलॉजी जान हो। चलो अभी रागी बारी है गाइस, वो जुबान से। वैसे पापा जी इसके अंदर अगर टमाटर डाले, प्याज भी डाल दो, मिर्चें भी लाल पाल थोड़ी। पापा ये तो मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है। देखो जा कपड़े धोने वाला ब्रश है। अच्छा ये किचन एक्सेसरीज को क्लीन करने के लिए सड़वाए, ये मम्मा ने जलवा डाले कहाँ से? ये मम्मा ने ना सारे उसने मुझे करके भेजे है। अच्छा धो के हाँ, धोने का तरीका ये कि इनको पहले पानी में ना 10 मिनट तक भिगो दें। अच्छा वो नरम हो जाता है, फिर इनको ऐसा तो ब्रश मारो वाइट हो जाता है। इस वजह से मुझे बताएं टीटू का पाया कौन सा? टीटू का पाया ये छोटू बैग सा पकड़। हाँ नहीं रहा, बैग को कहूंगी टीटू आ गया ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ लूं। ओके हाई और भागना शुरू हो जाएगा। बचपन में बहुत छोटे होते थे ना, तो हमारे चाचू क्या करते थे, जो उसकी उसकी सर होता था, उसकी मुंडी होती थी बकरे की और पाए होते थे ना, वैसे करके डराते थे। हम भी खाल और इन सब चीजों से डर रहे होते थे। राबिया आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ मैं। नहीं नहीं मेरी चीज है, जब करो टीटू पार्टी। ये टीटू का है। टीटू से मोहब्बत करती थी, ये मोहब्बत की निशानी। मजा आ रहा है, मानो नहीं डरती ना। पाओ मेरी गोद में रखता था, छोटी चड्डी पहनता था, लोली खाता था। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? रब एक दफा प्यार करती हो तो टच कर लो ना इसको। रबिया प्यार करती थी ना, जिंदा बकरे से डर नहीं लगता, उसके पाए से डर लग रहा। तो ऑब्वियसली आप डेड बॉडी दिखाओ किसी की। डेड बॉडी नहीं है, ये डेड टांग है। मम्मा आप भी दांत पे रही है। मम्मा याद नहीं आ रही, वो डर ही है, उसको बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। टीटू याद में गोद में जब भी टांगे रखता था पिता, अभी दूसरी से तो डर लग रहा है। ना डराना, इसलिए तुम्हारे पाए बनाए, तुम्हारी कलेजी को हम लीमू लगा के भी खाएं, मेरी ओजरी निकाल तेरा मगज हम पकाएं, है तमन्ना हमें कुर्बानी का गोश्त हम भी खाएं। ये मुश्किल वफा राबिया के लिए यहाँ, उसकी टांगों में बसता है लोबिया का जा। कभी सुन तो जरा जो टीटू कहना सका, टीटू राबिया की दुनिया है, राबिया का पाओ कहानी सुना, जुबानी सुनो, राबिया का प्यार हुआ था और टीटू से हुआ था। मैं तो तंग करूंगी, इतनी इमेच्योर नहीं है मम्मा, आपने उसको क्या काका बना के रखा हुआ है। मम्मा ये अपना पाया, मैं हाथ धो के आई हूँ। अपने हाथ हाथ धो लिया, मेरे हाथ से खुशबू आ रही है। वैसे तो मेरी परफेक्ट स्किन है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि स्किन ग्लो करने के लिए क्या टेक्निक है? पापा से पूछ रही है, पापा पापा की बड़ी ग्लो। हम सारी बहनों में से सबसे ज्यादा स्किन अब्बू की ग्लो करती है। हमें क्या लगा? मैंने बर्फ लगाई। बर्फ? हाँ आई थेरेपी, आई थेरेपी बहुत अच्छी है। वो ठीक है, दूध लेके दूध हाँ थोड़ा सा उसमें डालना बेसन। अच्छा मिक्स कर लेना, वो अपने चेहरे पे ऐसा लगा दो, मसाज कर लेना हल्का हल्का नरम हाथ से। ठीक है करके उसके बाद कोई आधे घंटे बाद नीम गर्म पानी से मुंह धो लो। कहते हैं कि गर्म पानी तो मुंह पे लगाना ही नहीं चाहिए। नीम किसने कहा? किसने कहा? मैंने सर्दियों में फिर नीम गर्म पानी, ताकि उसकी वो जो होती है ना चिकना वो खत्म हो जाती है। वैसे तो ठंडे पानी से जम जाएगी, तो नीम गर्म पानी से धो लेना। चलो मानो आज ये बनाते हैं, क्योंकि छोटे
लस्सियां ना सेर धोंदे सारे लस्सी लस्सी ना थी अच्छा आंखें निकाल के वो हमारे घर में होती थी ना वो बैंक का सारा वो जो वो रिड़कने वाली रिड़ बड़ा होता था मैं खुद भी रिड़ता था अच्छा उसके जो लस्सी थी ना वो लस्सी निकाल के हमारे सरों में डालते थे अच्छा ठीक है ना हमारे पप्पू तो वो डाल के सर में सर के पप्पू के सारे ताकत भी रहेगी तो आज तक देखो बाल गए सेट है बनाए ना आज सबसे पहले तो पापा के मुँह पे लगाएंगे दूध और दूध और बेसन बेसन चले अब हम अपना अच्छा नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था काम शाम हमारे हो गए थे और अब हम करते हैं पापा के बताए हुए टोटके पे अभी रिजल्ट नहीं किया रिजल्ट करूंगा तो फिर उसके बाद ठीक है रिजल्ट आज निकाल के रिजल्ट लेते हैं हाँ घरेलू टोटकास आर द बेस्ट टोटकास यू कैन एवर फाइंड आउट क्योंकि आपको जो है ना वो बहुत सी स्किन प्रोडक्ट्स में से वो चीजें नहीं निकल पाती जो आपको टोटकास और पुराने वक्तों में लोगों की स्किन इतनी प्यारी थी बिना उसके क्रीमों के तो कैसे थी अभी हम बनाते हैं सबको जरा इकट्ठा करते हैं मैं तैयार होके मतलब थोड़ा हल्की आंख पे सेट वेट करके खुद को नीचे आई हूँ तो पहले किचन में मम्मा खड़ी हुई थी अब किचन में पापा और एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं बस ये पता नहीं अब आप क्या करने लगे हैं इसको काटने लगे हैं ये भी क्या घर में ही करता है ये आपको दिखाएंगे कि पापा पाए कैसे और फिर जब मम्मा पाए बनाएंगे ना तो फिर आपको इसकी रेसिपी बताएंगे अभी तो पापा की हमने स्किन केयर करनी है पापा के टोटके से मैं उसके लिए बैंड शाइन पहन के आई थी अभी हम वो सारी चीजें बनाएंगे और फिर पापा को यू नो खुद भी प्यारे होंगे पापा के तरीके से पापा को भी ग्लो करवाएंगे लेकिन अभी पापा जो है ना वो इन्हीं के साथ ही मसरूफ है आज सुबह से और ये लेके आए हैं पापा टोका इसको क्या कहते हैं टोका ही कहते हैं मैंने तो यही सुना था टोका टाइप कोई चीज पंजाबी में ए पंजाबी फैमिली इन्होंने टोका कहती है टोका होता है टोको टोको खरीदा होता है पापा अपनी सीट पे बैठ चुके हैं मम्मा इज हेल्पिंग हर हस्बैंड और अब देखते हैं कैसे ये टुक टुक करते हैं मेरे लिए ये स्टूल रख दिया गया मैं भी यहाँ बैठ के जरा आपको तरीका बता दूं पहले उसको अच्छा टुक टुक करते हैं पता लगे पापा जी आपने सारी मिक्की उसकी काट दी है नहीं, पिछली हाँ ये खोलने कैसे ऐसे मांडो अच्छा ये मिक निकला ही अंदर से गाइस मैं ना काफी दूर आके बैठ चुकी हूँ क्योंकि ये उड़ के किसी के मुंह पे भी लग सकता है तो मैं आपको वाइड एंगल से दिखा रही हूँ तो जी ये टीटू के पाँव कट रहे हैं बेचारे के लेकिन टीटू के आठ काउंटिंग खराब है गाइस मेरा हाफजा ठीक है लेकिन मेरा मैथ्स बहुत बुरा है सिर्फ मुझे पैसे गिनने आते हैं समटाइम मैं वो भी गलती कर जाती हूँ लास्ट टाइम मैंने जो बैग्स वाला एक ब्लॉग डाला था ना उसमें लोग मेरी ना काउंटिंग की गलतियां निकाल रहे थे कि आपने ना बैग्स गलत काउंट किए 115 है 120 है 125 है 150 तक है आप गलत काउंट करी जा रही हूँ हाँ तो मैं ना वो भूल जाती हूँ आप जब गिनती कर रहे हो ना तो आपके माइंड से ना वो स्किप हो जाती है ले अम्मी अबू को काम समझाते हुए कि तुहानू देखिया मैं तेनू इंज तुहानू इंज आख्या सी ना ते तुसी इंज ही करना मम्मा ध्यान से आप बहुत करीब बैठी हुई है फाइनली पापा ने जो है ना वो सारे टुक टुक टका 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 कर लिए और अब थक के बैठ गई पापा का हशर देखे मैंने कहा आपको इतने अच्छे कैसे काटने आते हैं बचपन से 20 साल तो मैंने बकरा खुद चुका दिया आपको आता है हाँ मुझे पता है बकरा बै बै करता था पापा गर्दन काट जी माँ भाई अल्लाह ये जो सारे जहान की रेस्टोरेंट्स पे जाके मैं कहती हूँ एक रेस्टोरेंट को जाके कहते हैं कि हमारे पास हर ब्रांड की छोटी बड़ी हर तरह के सॉसेज अवेलेबल हैं इतना ढेर भी कभी किसी ने क्या जमा कि इससे पता चलता है कि हम लोग कितने बर्गर्स जो है ना वो बाहर से खाते हैं एंड इट्स अच्छा खासा वजन है इसका बैग कलेक्शन दिखाई थी और आपको दिखा रहे हैं केचप कलेक्शन यहाँ पे देखो जरा मानो के काम मानो ऑलरेडी इज डूइंग समथिंग एक बंदा किचन से निकलता है तो दूसरा बंदा यहाँ पे तो अब मानो के साथ हम बैठ के बनाएंगे यहाँ पे मैं भी आती हूँ पता कि कितनी अमाउंट है ये जो पापा ने हमें बताया इसके बाद हम लोग की स्किन प्यारी ना हुई ना तो अच्छा मानो से मैं एक चीज का फर्क पूछना चाहती हूँ मानो चड़ैल में और चुड़ैल में क्या फर्क होता है चुड़ैल लड़का होता है चुड़ैल लड़की चड़ैल में और चुड़ैल में प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है चुड़ैल देना वेरी फनी मानो बस बस मानो कितना मानो ये पागल हो सॉरी गंदगी डालना मैंने आपके तो दिखाई करते नहीं है सारा बेसन ही है नहीं। ये बताएं कितना दूध डालना है पता लगे ज्यादा इतना काफी है बेसन मैं डालती होती हूं सारी बेसन आ रहे हैं जैसे ना ब्यूटी टिप्स देते रहे पापा ब्यूटी पार्लर में जॉब करते हैं बस अभी फिलहाल मानो चम्मच उंगली से नहीं कर सकते मुंह में भी लगाया स्किन अच्छे हाथ अच्छे मेहंदी उतर जाएगी अब हम इसको इतना सा दूध डालना ज्यादा दूध ड्राई नहीं करना
गर्म पानी चाहिए। पकौड़े बनाने के लिए जो आपके घर पे बेसन होगा गाइस वो इस्तेमाल करना है, कोई और सूजी वगैरह लगा के मुंह में बैठना बना लीजिएगा, पता लगे बाद में स्ट्रॉन्ग के घर के पास रश लगा हुआ ना ज्यादा। अभी तो आप कह रहे थोड़ा सा, ये तो आधा किलो दूध इसी में डाली। मैं सोच रही हूँ आप ही थोड़ा और ना पाउडर, क्या मिर्च डालो कोई और नहीं कह रही हूँ थोड़ा और पाउडर। मैं मुझे लगा तुम कह रही कोई और पाउडर डालो, मैं मिर्च डाल थोड़ा लिक्विड है ऐसे देखो वैसे एक मिनट चिंते तुमने सारा डब्बा ऐसे गंदा किया मानो मानो वही शेल्फ पे रखा अंदर मत खाने। अब तुम बनाओगी मैं बाल बांध के आ रही हूँ मुझे अपने मुंह पे लगा के। इससे हम लोगों की स्किन क्या होती है तो जितने भी पोर्स वगैरह आते हैं सारे खत्म हो जाते हैं ना। मानो अभी क्या कर रही हो, आंखों पे मत लगाना ये आटे की तरह चिपक जाएगा। अब ये हमारा गाइस बन चुका है, सिर्फ दूध है इसमें और बेसन है। इसमें आप आलू डाल के पकौड़े भी बना सकते हैं अगर आपका बहुत भूख लग रही है, लेकिन अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस है तो आप अपने मुंह पे ये चेक करें और ये एज अ स्क्रब काम करेगा, ठीक है। अब हम पूरी फैमिली अपने मुंह पे ना स्क्रबिंग करने लगी है, जो जो अवेलेबल सिस्टर्स हैं देखते हैं कि कौन कौन। फिलहाल मम्मा और अभी तो पापा को लगाएगी ना पापा की रेसिपी पता लगे। लाल हो गया इसको रखो और ये साफ करो, ये तुम्हारी मानो अभी नहीं। मैं जहाँ पे किचन में उंगलियां लगी होंगी उसका क्रेडिट मानो हो जाता है, मुझे नहीं आता। यूनिवर्सल लेप तैयार हो चुका है और मैं सारी बहनों को बोल रही हूँ जिस जिसने मुंह प्यारा करना है पापा की टोटके से वो बाहर आ जाए। मम्मी सबसे पहले आपको अपने बाल वो करने पड़ेंगे और एक बहन निकल आई है जिसकी नींद ही नहीं कभी पूरी हो रही थी। ये क्या प्यार की रेसिपी, शक्ल प्यारी करने की पापा की। मेरी शक्ल पहले ही प्यारी। मानो आप ना अपने साथ साथ घर को और अपनी शर्ट को और अपने सारे आसपास को गंदा कर रही हो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता आपको कैसे पता, ये सारी कारस्तानी है ही पापा की, टोटका बताया ही पापा ने। ये मैंने ना कहीं बचपन में हम लस्सी से सर धोते थे ना। तो अब पापा को ही बैंड दिया जाता लेके मम्मा के लिए आई थी, पहन लेना आपके बालों पे ना लग जाए, अभी आपको भी लगाना है आपका ही बंदा है। वाओ अब वहाँ बैठ गए मम्मा के पास। तो गाइस फाइनली हमारे जो मेन वो है मम्मा को बैंड पहनाओ पहले, और ये हमारे पास आ चुका है हमारा डैडी का टोटका। ऐसे ही मर्दों का टोटका तो नहीं, फिर मसाज भी करना है ना। जी जी आधा घंटा नहीं है मम्मा मसाज, अब ज्यादा देर का मांग रही है ठीक है। ये अब चलो 5 मिनट लगा देना और 5 मिनट जाना बस लगा दे तो। अब मम्मा और पापा दोनों बताएंगे कि मानो अच्छा कर रही है या मैं कर रही हूँ। मम्मा आपके तो आपको तो जैनब ने पूरा ही जैनब तो पूरा प्रोफेशनल कर पता नहीं कैसे कर रही। पापा के तो मुंह पे दाढ़ी है गाइस, मुझे खारिश हो रही, मेरी मेहंदी उतर जाएगी रेग मार से। तो अपने अब्बाओं के मुंह पे ना बेसन लगाते हैं पापा की दाढ़ी ना सारे वो दाढ़ी है पापा का नगरा पे है। अब तुम भी किसी को लगा दो बल्कि तुम अपने आप तुम बीच में बैठ जाओ तुम्हें भी लगाते हैं। इट कैन बी पॉसिबल, हम दो इस वक्त सर्विसेज पे हैं, जिसने ये सर्विस लेनी है वो आ सकता है। गाइस पापा ने जो है ना वो लगा लिया है मास्क और राबिया एक अदद उम्मीदवार हमारे सैलून में आया, अभी सबसे मैंने 500 रुपया लेना है। तो मैं इसलिए 5000 वाला मास्क लगवाया। पहले 5000 रुपया तो इधर रखना, फिर तुझे 5000 मामा से कॉन्टेक्ट करें। आपकी मामा नहीं देती, आपकी मामा जो मेरे पास भी होते हैं वो भी छीन लेती है। तो अब बारी है राबिया के मास्क लगवाने की, तुमने मेरे से लगवाना पूरा फेशियल करो तो 5000 मिल। आप देंगी ऑन कैमरा देंगी? डन। बारी है जी राबिया के मुँह की, इसके ऊपर मैं आपको मास्क लगा के दिखाती हूँ। आगे बंद कर रहा ना ताकि तुम्हें मजा आए। ये तो वाला ब्लू हुआ ये पता क्या लग रहा है मुझे लगा। अभी हम राबिया के मुंह को करेंगे फ्राई, जब ये फ्राई बनेगी तो वैसे आधा पकौड़ा फिर पूरा पकौड़ा। अगर राबिया तुम्हारा मुँह लाल और व्हाइट ना हुआ तो तुम पैसे वापिस है। प्रेशर कम कीजिए, प्रेशर बहुत ज्यादा। एस्ट्रोलॉजी जवान हो गई, एस्ट्रोलॉजी नाम है जवानी का। एस्ट्रोलॉजी बूढ़ी हो जाएगी, बूढ़ी आदमी बस
मसाज ध्यान से करवा, कोई नहीं रही है। इसने मसाज यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, पूरे मुंह पे तो नहीं किया। तो पूरा मुंह ऐसे करोगी तो करूंगी नहीं, पूरे मुंह पे यहाँ पूरा हो जाएगा। अच्छा नहीं करेगी, इसके पैसे कटते जाएंगे। ये नाम है मैल निकालने का, ये ना थोड़ा लगा रहा था, मुंह पूरा टाइट हो रहा है। ये पोर्स सारे सुकड़ जाते हैं। पापा इसकी एम्बेसमेंट करे, पापा विल बी द एम्बेसडर ऑफ बेसन एंड मिल्क। चलो बस बस, अब मुझे कौन लगाएगा? कॉलर वाली ने 5,000 रुपए कमा लिए हैं, लेकिन अब मेरी बारी, मुझे कौन लगाएगा? पापा से लगवाते। मानो मुंह धो के आई गाइस, मानो कैसी लाल लश्कारेगी। आप देखें ये इंस्टेंट रिजल्ट आया इसका, कितना अमेजिंग। ओए प्यारी लग रही हो, सीरियसली अच्छी लग रही हो, बिना मेकअप के ही ब्लशन लग गया। अब मेरी बारी है, बिल्कुल ठीक आ रही हूँ मैं प्यारी। ये देखे मैं लगा रहा हूँ बाबे को। इतना गर्म क्यों हो गया? पापा ये तो मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है। ये देखे मेरी अम्मा की पहली सेल्फी, कितनी अच्छी लग रही है यार, ये सॉलिड है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला जो फेक है ये हाथों और पैरों दोनों पे इस्तेमाल करूँ। आप मुंह तो नहीं जा रहे हैं। ये देखें मम्मा का कितना अच्छा है शाइन। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। पापा का फाइनल रिजल्ट अब देख लें, पापा का टोटका, इसीलिए पापा केम ये है। हाँ मुंह पे तुम्हें पता ही नहीं हमने नीचे किया क्या आज। पापा रेड रेड होके खड़े हुए और तुम मुंह पे लगा के खड़ी हुई। क्या लगाया? क्या हम पापा का एक टोटका था, दूध बेसन हाँ। पापा सारी बेटियों को पहले बेटियों से लगवाए। पापा को भी फेस पैक बनाना आता है। चलो अभी हीरा की बारी है गाइस। हीरा का मुंह पहले ही प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी मजीद प्यारी होने जा रही है। हीरा को जितना स्किन केयर का कीड़ा है ना, हीरा तुम्हारे सारे ही जो इतनी तुम महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेती है ना, ये बंदी इतने पैसे लगाती है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कि मैं आपको क्या। हाँ हाँ हीरा, इसके बाद तुम बोल भी नहीं सकती, लेकिन मैं इतनी चलाक हूँ जुबान से। पापा जी मम्मा का सोफा बालों से इरा धोगी उतर जाएगा यहाँ यहाँ साइड। हाँ ये तो निकल जाएगा फौरन। अब तुम कुछ बात करना चाहती हो? पापा जी से कोई चीज मनवानी है तो मनवा दें। वैसे पापा जी इसके अंदर अगर टमाटर डालें, प्याज भी लाल थोड़ी। पापा नहीं रह गया आईब्रोज। वाह वाह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। फातिमा रह गई है वो, लेकिन अपनी वीडियो गाइस एडिट करी है जो उसके 3,500 बाद है। तो गाइस राबिया जो है ये इसका रिजल्ट आया जो कि सबसे बुरा है। पहले प्यारी थी, अब नहीं रही। मेरी राबिया को ना हल्का हल्का बुखार हो रहा है। पहले मैं बीमार हुई थी, राबिया की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए जरा लो लो फील करी। ऊपर से टिटू के पाए चखा दिए मैंने इसको, तो वैसे डरा दिया मुझे। ये देखें जी मेरा और हीरा का फाइनल रिजल्ट। मुंह धोने से पहले हीरा थी, मुंह धोने के बाद हीरा फैसल आ गया। आए हीरा तेरा मेरा फैसल आ गया, अच्छा हो गया। मुंह धोने से पहले मैं थी इकरा द बेस्ट व्लॉगर, और मुंह धोने के बाद मैं हो चुकी हूँ इकरा द ब्यूटीफुल, इकरा द रिच रिच, इकरा द रिच रिच, इकरा द ब्यूटीफुल। ये फेस मास्क मुंह के लिए, किस्मत के लिए नहीं। के ऊपर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी टिश्यू से मैं इसको जरा। सो गाइस फिर मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था और टिंट लगा लिया, तो ये मेरी फाइनल लुक आई है। सही है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को भी अगर कोई टोटकास वगैरह पता है तो काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा, सो वी कैन अप्लाई। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में इंशाल्लाह। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।